बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी तो आपकी तो अपनी बिल्डिंग है, तो ये फ्लोर रख लिया कभी कौन सा। हाँ तो वो ये तो है कि मतलब रहेंगे यहीं अब इंशाल्लाह। चलो अच्छा है। इस वक्त ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है सुबह सुबह मेरे लिए, और यहाँ पर जना अबू ऑमलेट बना रहे हैं। अबू ऑमलेट में कोई वो नहीं डाला आपने, प्याज वगैरह? प्याज वगैरह सब कुछ है, हरी मिर्ची तो आप खाते नहीं, लाल मिर्ची डाली। अच्छा अच्छा। हाँ तो प्याज भी डाला, हरी धनिया है नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये डाल दे, सूखा मसाला डाले। चलो ठीक है ठीक है। तो भाई अबू यहाँ पर ऑमलेट रेडी कर रहे हैं और मैं भी साथ साथ अबू से जो ना सीख रहा हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ना मैं गर्मा गर्म चाय रेडी कर रहा हूँ। तो अभी दूध को उबाल आएगा तो बाकी चीज़ें डालेंगे हम, और इसके साथ साथ जो ना पराठे अबू ने ऑलरेडी रेडी किए हैं, क्रिस्पी पराठे। तो ये पराठे जो है ना बनाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, तो ये भी वक्त के साथ साथ जो ना अबू से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो ना खुद ही बनाया करूँगा और फिर अबू को खिलाया करूँगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई नाश्ता रेडी हो चुका है, पराठा ऑमलेट और इसके साथ ये मैंने चाय बनाई है। तो चाय का कलर देखिए, नॉट बैड यार, चाय अच्छी बनाने लग गया हूँ वैसे माशाल्लाह। तो चलो अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो ना जिम भी निकलना है। तो गाइज अभी रेडी हो गए, जिम निकल रहा हूँ, और जिम जाने से पहले जो ना अभी खाला से बात हुई है, तो आज जो ना सब आ रहे हैं, खाला सितारा बाजी साजिद भाई तो सब जो ना आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना तैयारियाँ पकड़ ली, अबू और भाभी ने सामान वगैरह जो है ना निकाल लिया। तो आज क्या बना रहे हैं आप दोनों? पुलाव बनाएंगे। पुलाव जी। तो लो भाई पुलाव बना रहे हैं, आपकी भाभी बनाएगी पुलाव आज? भाभी बनाएंगी जी, मैं खाली देखूंगा, कोई गलती तो नहीं कर रही। सही सही। वैसे करती नहीं है क्योंकि अभी माशाल्लाह ठीक हो गई है, सीख गई है सब। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, खड़ा रहना। बेस्ट ऑफ लक। वैसे नहीं, इससे पहले 2-3 बार बनाया मैंने, खाए तो पास हो गए, तो अच्छा अच्छा बना दी ऐसा मतलब लगता है कि अब्बू ही नहीं बनाए। तो यखनी पुलाव बनाएंगे आज जी। तो भाई आज जो ना घर पे यखनी पुलाव बन रहा है, इसके साथ साथ बाहर से जो आइटम्स लेने वाले हैं वो मैं लेके आ जाऊंगा। अभी आपने कुछ मंगवाने? बस वही मसाला बनाना है, ये वाला एक डब्बा ले आना, एक तो ले आया आपका भाई। अच्छा। और एक और ले आना चावल ज्यादा बनाए। चलो भाई। तो भाई ये जो ना पुलाव में डालने वाला मसाला, ये तो बिरयानी मसाला है। बिरयानी? हाँ ये बिरयानी मसाला है, सिंधी बिरयानी मसाला। पुलाव वाला ले आना आप। अच्छा पुलाव मसाला ले आना। हाँ सही। ये तो नहीं लाओ ना है, ये तो नहीं लाओ ना, उसको बोलना यखनी पुलाव मसाला दे दे शाम का। अच्छा तो यखनी पुलाव मसाला, और इसके अलावा कुछ और मंगवाने? बस बाकी चीजें हैं। तो बाकी चीज़ें चलो ठीक है भाई, पुलाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्बू और भाभी की है, और साथ ही साथ जो ना मसाला जिम जाने से पहले पकड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आया था ताकि ठंडी हो जाए। जी जी। क्योंकि एक ही साथ जो ना सामान ले आता हूँ, 6th फ्लोर पे आना जाना भी इजी नहीं है। तो हाँ तो अभी मसाला पकड़ के ले आता हूँ, और इसके साथ साथ बाकी सामान है, सब्जी वगैरह कुछ मंगवानी है? नहीं सब्जी नहीं, बस ये पुलाव बनाना है, बाकी चीज़ें आप ले आएंगे। चलो ठीक है। तो चलिए जी जिम जाने से पहले ये सामान वगैरह दे के चलते हैं, बाकी जिम से आ जाऊँगा तो फिर जो है बाकी बाहर का सामान तो मैं मंगवाऊँगा, तो वो जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा। तो चले अल्लाह हाफिज़, आप लोग लगे रहें, मैं अभी जो है सामान लेके ना आपको भिजवा देता हूँ। सही ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो मेरे स्मार्ट से जिला हम पुलाव मसाला पकड़ने हैं, कौन सा ये? पंजाबी यखनी पुलाव। अच्छा पंजाबी यखनी पुलाव। चलो भाई ये दो दे कर दें जी। इसके अलावा कोई और होते हैं? चीनी। तो भाई ये कहा था शान का पंजाबी यखनी पुलाव मसाला। तो वेजिटेबल्स वगैरह भी मिल रही हैं, तो पूछ लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स हमारे तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, कोल्ड ड्रिंक्स खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर रखी हैं। A few inches later. गाइस यहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक पकड़ लिए, आइसक्रीम के दो बंडल पकड़ लिए, उसके बाद रायते के लिए अपने खीरा खाया था, खीरा भी ले लिया, और जो है ना यखनी पुलाव के लिए मसाला जो है ना वो भी 2 पैकेट पकड़ लिए। बाकी जो है ना रायते के लिए अभी दही लेनी है, वो बाहर से चल के थे, यहाँ से यही पकड़ना था। बाकी एक धनिया का बंडल पकड़ लेते हैं, एक धनिया भी दे दें, धनिया का बंडल धनिया भी ले लिया है। बस अभी इसका फिल करवाते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। आखिरी चीज़ दही थी वो भी ले लिए, और ये सारा सामान जो है बाइक में फिक्स हो गए। तो गाइस आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, और आज धूप बिल्कुल नहीं है, और ये वो जगह है जहाँ पर हम खेलते हैं हर संडे क्रिकेट। और ये सामने अदनान सिद्दीकी साहब का घर है, और ये सारा सामान जो है किस तरह से लेके जा रहा हूँ, ये जिम का बैग है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर भी सामान है सैंडल पे, और इस सैंडल पे भी सामान है। और ये देखिए सामने कुत्ता जो है, जब भी किसी कच्चे वाले को देखते ना तो ये जो है भौंकने लग जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनके बैग में जो है ना कुछ शायद अगवा करने आते हैं, तो इसलिए जो भी कच्चे वाले होते हैं उनको देखे भोंगते हैं। इस वार्म अप जो है ना मेरे ख्याल से यहीं पर हो गया, और जो है ना 6th फ्लोर से चढ़ने उतरने में ही वार्म अप पूरा हो गया। तो अभी सारा सामान लेके आ गया जो मंगवाया था, तो इसमें दिखाते चले आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी, भाभी को बुला देते हैं, अबू को भी। अबू भाभी आ जाए,
सबसे पहले जो है ना आइसक्रीम जो है ना ये रख देते हैं फ्रिज में, अभी आइसक्रीम रखें फ्रिज में वरना मैच ना हो जाए। और अभी जो है ना कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ गए, ये तीन कोल्ड ड्रिंक्स, अब कोल्ड ड्रिंक्स ले आऊँ अभी से फ्रिज में रख दें ठंडी हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स का सर ये रायता के लिए दही और ये आपने मंगवाए थे खीरे, और कुछ मिसिंग तो नहीं है, लकड़ी मिसिंग ना हो खीरे ठीक है। और ये धनिया भी ले आया हूँ, चलो ये भी सही है। तो सबसे सामान जो है एक ही मार्ट से मिला है, बस दही जो है ना वो दूध वाली दुकान से मिली है, ये ठीक है सही है। अच्छा इसका नाम पढ़े पता क्या है, यखनी पुलाव, पंजाबी यखनी पुलाव। हाँ ठीक है, मैं यही लेता हूँ, और आमिर पता नहीं चला वो बिरयानी उठा के लाया। अच्छा अच्छा ये सही लाया। हाँ भाई आमिर को बोलता आमिर बिरयानी मसाला लेके आ गया। चले अभी निकलते हैं जिम के लिए, जिम लगता है जाके वार्म अप यही हो गया, जिम जाके वार्म अप नहीं करना पड़ेगा, बस अभी थोड़ा एनर्जी के लिए केले पकड़ लेते हैं, ऐसे केले खा लेते हैं। सही है केले रखे हुए? हाँ रखे हुए केले, तो केले उठा लेते हैं दो तीन खा लेते हैं इसे। सूरज ग्रुप होने वाले मगरिब का टाइम है और अभी जिम से निकल रहा हूँ, और अभी चलते हैं घर जल्दी से क्योंकि थोड़ी तैयारियाँ करनी है दावत की। जिम से सीधा घर गया, घर से जो है सोहेल को पिक किया, सोहेल ने मेरा बैग भी कैरी किया हुआ है, तो हम लेने आए हैं केक, और यहाँ पर जो है केक के ऊपर हम कुछ लिखवा रहे हैं, तो क्या लिखवा रहे हैं जब लिख जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। केक के ऊपर जो है हमने मेंशन कराया कॉन्ग्रेट्स 100 के, तो भाई जो है प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन फिर भी गुजारा जो है ना कर लिया है, इसको पैक कर दें। तो गाइस केक शेक पैक कर लिया है, और इन भाई ने जो हमें डिस्काउंट दिया है बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फाइनली घर पहुंच गया हूं, और अभी जो है ना मेरे ख्याल से मुझे नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, नहीं नहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है ना और भी सामान मंगवाना है, लेकिन वो मैं ऑनलाइन मंगवाऊँगा फूड पैंडा के थ्रू, तो उसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, और ड्राइवर को ऊपर नहीं बुला देते यार, वो बेचारा छठे फ्लोर पे आएगा, तो उसका आज के दिन की मेहनत मतलब एक ही ऑर्डर में निकल जाएगी, जितनी हिम्मत होगी कि ऑर्डर सर्व करते हुए ना बेचारे की हिम्मत चली जाएगी, तो इसके लिए ना खुद ही नीचे आना पड़ेगा और ऑर्डर रिसीव करूँगा, और फिर जो है ना फिर नीचे नहीं आना पड़ेगा। आज का जो है ना कोटा पूरा हो गया। फ्यू मोमेंट्स लेटर जैसे मेहमान आया उसके 5 मिनट बाद हमारा जो ऑर्डर किया था ऑनलाइन हो जा चुका है, तो अभी ये ना आखिरी मरतबा उतर चढ़ रहे हैं, इसके बाद जो ना अब मजे की उतरिए आज होते हैं, और आज मैं ना मेरे जैसे 2 बार जिम हो गए, 1 बार तो जिम गए थे और दूसरे ना सीढ़ियों ने हमारी जो है जिम करा दिए। चलो भाई अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं, ये रखने के बाद फोर जो है ना 5 मिनट के लिए देख जाइए। और मुझ तो कैसे हो? एकदम ठीक। ठीक हो? याद आती है ये गलियाँ? हाँ कभी कभार, लेकिन यहाँ से गलियाँ तो नहीं दिखती, ये लोगों के मकान दिखते हैं। पहले तुम इसी गली में आते थे, क्रिकेट खेलते थे? इस गली में नहीं। इस गली में नहीं, बीस स्ट्रीट पे जहाँ पर हम खेलते हैं अदनान सिद्दीकी घर के पास ना। हाँ जी। लेकिन अभी तुम लेकिन आज तुम आयो काफी अरसे बाद, तुम्हें चेंजेस दिखे, बिल्डिंगे बड़ी बड़ी दिख रही होंगी? नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्डिंगे नहीं थी पहले? क्यों नहीं थी पहले? अच्छा आप दिल्ली कॉलोनी में रहते थे, दी स्ट्रीट पे आके बंगले देखते थे, अब इधर आ गए तो भाई यहाँ पे आपको बिल्डिंगे नहीं दिख रही? नहीं नहीं बिल्डिंगे पहले नहीं थी ना इतनी बड़ी, पहले थी इससे भी बड़ी बड़ी थी। नहीं यहाँ इस जगह पे नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? तो हम तो नीचे नीचे होते थे, हम छत पे थोड़ी ना आए थे जैसे हमें बिल्डिंगे नजर आती, आप लोगों की घर बनाया। मेरे भाई फ्रॉम अनदर ताई, ये बिल्डिंग सामने खड़ी हुई ये भी नहीं थी। हाँ ठीक है, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, और ये उसके पीछे बैक साइड पे ये बिल्डिंग अभी बन रही है ये वाली, ठीक है ये भी नहीं थी, और ये सामने फ्रंट पे एक स्कूल के लाइन में जितनी बिल्डिंग है ये भी अभी नहीं बनी है। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी जी वहाँ पर लोग पहले। अच्छा यहाँ से अभी तुम घर गिन रहे हो, यहाँ से बिल्डिंग गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हम कितने घरों के अंदर जान सकते। अच्छा ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ना आपको बहुत बहुत मुबारक को 100K के लिए, खैर मुबारक मतलब इनडायरेक्टली थर्ड सिल्वर बटन के लिए। हाँ तीसरा सिल्वर प्ले बटन अभी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये कि आप इस एरिया में काफी अरसे बाद आई है ना, तो पहले टाइम बाद क्या क्या चेंजेस दिखे आपको?
चेंजेस तो मतलब कुछ ऐसा मुझे चेंज नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ये है कि एक बहुत अच्छी वाइब आती है, वो पुराना टाइम याद करके कि यहाँ पे वो एक पुराना टाइम याद करके बहुत अच्छा लगता है। आपका फर्स्ट घर मुझे याद है गिजरी में था। मैं आया था, आपने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। सबसे पहला वाला घर वहाँ पे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कोई चला जाता ना ऐसी जगहों से तो कहीं और जाए तो वापस आए तो उसको ऐसा लगे कि बहुत घुटन, और ऐसा कुछ नहीं मुझे यहाँ आके, बल्कि अच्छा लगता है ऐसी जगह पे वापस अपना वो टाइम याद करके। कितने साल स्पेंड किए गिजरी में? वो तो जब से शादी हुई है तब से रहे, तकरीबन 8-10 साल रहे होंगे। 10 साल। हाँ, मुस्तफा ऐसे पूछे कौन सा वाला पहला घर जैसे तुम्हें याद हो, तुम थे ही नहीं इस दुनिया में मेरे ख्याल से। नहीं था ना ये? नहीं नहीं था। तो भाई मैं कोई 4 या 6 क्लास में था उस टाइम पे, और अम्मी के साथ आया था आप लोगों के घर, और मुझे अच्छे से याद है मैं बोर हो रहा था और जब आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी ना। बचपन में जब कोल्ड ड्रिंक मिल जाती थी बड़ी बात होती थी उस जमाने में। तो आप लाई थे? टाइम हो गया। हाँ, कोई बहुत, मैं छोटा सा था 4-6 क्लास में, तो मतलब 10 साल वही हो गए, क्योंकि जैसे मेरी शादी हुई थी तो मैं उस घर में आई थी, तो शायद कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर आए थे। नहीं, ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मुस्तफा अगर 12 इयर्स का है तो मतलब आप 13-14 साल हो गए, क्योंकि मुस्तफा नहीं था उस टाइम। हाँ, तो ज्यादा टाइम हो गया। चलें चलें, वक्त गुजरते पता नहीं चलता। अब मुस्तफा आ गए। वैसे यहाँ पर बिल्डिंग नहीं था, अब तो आ गए। वैसे एक और चीज, यहाँ पर बिल्डिंग पहले नहीं थी, आपने नोटिस की होगी। हाँ, तब कहीं कहीं थी, अब तो हर जगह पर नीचे के मकान तो दिखते ही नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, मतलब एक कमरा भी है तो उसके ऊपर भी 5-6 फ्लोर बना देते हैं। तो ये चीज अब ज्यादा हो गया, पहले जैसे नीचे के घर बहुत मिल जाते थे, अब तो सोचो ही ना कि नीचे का कोई मकान होगा। यहाँ पर सारी गिजरी में बिल्डिंग भरी हुई है, ना व्यू यहाँ का बहुत प्यारा लगा। हाँ, अभी इस टाइम नहीं दिख रहा है वैसे, इस टाइम इतना अच्छा रात वाला तो लुक प्यारा लग रहा है, जैसे हर घर से वो लाइटिंग, शाम में और भी प्यारा होता है। हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलें, जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई। अब बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छी दावत थी, सबका शुक्रिया। आयु आयो, इसने जो है ना केक खाया कम है, लगाया ज्यादा है। आयो आयो, केक अच्छा था? नहीं था, नहीं था। नहीं था। इसका मतलब है बुरा था, इसका मतलब बहुत ज्यादा बुरा। तुम्हें छत कैसी लगी, घर कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो भाई, हाँ बताओ, घर कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा भाई, आयत को भी पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा भाई? अच्छा तो लगा, लेकिन अभी घर थोड़ा बोरिंग बोरिंग। हाँ, इसमें एंटरटेनमेंट लाएंगे ना, गेम्स लाएंगे, कपिल शर्मा शो, एक्स बॉक्स, प्ले स्टेशन सब लगाएंगे। तुम्हारे मतलब विजय, और इसके अलावा छत पे जो ना फुटबॉल का स्पेशल इंतजाम करेंगे लाइट के साथ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अभी रवाना होने से पहले मैं फीडबैक ले लूँ सितारा बाजी से। सबसे पहले सितारा बाजी, आपको घर कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, किचन देख के आपको अपने घर की पुराने वाले घर का किचन याद आ गया, उसका कलर ऐसा था ना, सेम टू सेम। हाँ, ऐसा था उसका। चले देख के, लेकिन अच्छा है। चलो, आप अपने घर पे आ गए, अपने घर का सुख एक अलग होता है कि आप जो चीज भी रखोगे, अब ये टेंशन नहीं है कि यहाँ से उठानी है, कहीं और जाना है, तो अगर जाएंगे तो वैसे भी अगर नीचे ही जाएंगे, मतलब कि अगर फैमिली जैसे बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी तो आपकी तो अपनी बिल्डिंग है, ये फ्लोर रख लिया कभी कौन सा। हाँ, तो वो ये तो है कि मतलब रहेंगे यहीं अब इंशाल्लाह। चलो अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी खाला से पूछें, खाला से तो आज बिल्कुल ही जो है ना कम ही मुलाकात हुई है। और खाला कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो लगे रहे खाने खाने की, और चीज सारी चीजें, बहुत अच्छा खाना था और तबीयत ठीक है, घर भी बहुत प्यारा है। और घर अच्छा लगा? चले चले, वैसे छठे फ्लोर से उतरना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल लगी मुझे, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँ, तो आराम से आ गई। चलो चलो, शुक्रिया। चले खाला, अभी छोड़ के आते हैं आपको नीचे। हाँ।